किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सस्ते और बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक के बारे में, जिससे आप अपनी फसलों के अंदर लगभग सभी तरह के जो सकिंग पेस्ट हैं, यानी कि रस चूसने वाले कीट हैं, उन पर यह सभी पर काम करता है और बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। जी हाँ, जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसीटामाप्रेट, जो हमारा 20% SP फॉर्मुलेशन में आता है। बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, ये हमारी फसलों के अंदर जितने भी सकिंग पेस्ट आते हैं उनको बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इस टेक्निकल के बारे में कि ये कौन कौन से ब्रांड नेम के अंदर ये टेक्निकल हमें देखने को मिलता है, इसकी डोज क्या है, कौन कौन से कीटों पर काम करता है और कैसे ये काम करता है और क्या इसका प्राइस है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एसीटामाप्रेट 20% यदि हम इसके ब्रांड नेम की बात करें कि और कौन कौन सी कंपनियों के अंदर ये हमें देखने को मिल जाता है, तो देखिए ये इफ्को कंपनी का आता है काई टाकू के नाम से। उसके साथ साथ ये गढ़ा केमिकल्स का भी हमें देखने को मिल जाता है पोलार ब्रांड नेम से। उसके साथ साथ देखिए एक वेबकिल के नाम से भी ये देखने को मिलता है जो आता है बास्टिड कंपनी का। तो और भी अन्य कंपनियों के अन्य ब्रांड मिल जाते हैं, तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपके एरिया में पॉपुलर ब्रांड है, वो आप लेकर स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो टेक्निकल, जैसे मैंने बताया कि एसीटामाप्रेट 20% SP फॉर्मुलेशन में होता है, यानी कि पाउडर के फॉर्मुलेशन में होता है और जैसे हम पानी में गालते हैं तो बहुत तेज़ी से घुल जाता है। देखिए सिस्टेमिक होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट के पूरे सिस्टम में फैल जाता है, जिससे जो कीट कहीं भी हो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के आर पार हो जाता है, जिससे जो पत्तियों के नीचे जो सकिंग पेस्ट ज़्यादातर जो होते हैं वो पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं। तो इसलिए ट्रांसलेमिनार एक्शन का होना और इसका सिस्टेमिक होना, तो ये बहुत ही अच्छे से जो सकिंग पेस्ट है उनको सभी को अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए इसके अंदर जो एसीटामाप्रेट 20% होता है, इसके अंदर ओविसाइडल एक्शन होता है, यानी कि जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनको भी ये नष्ट कर देता है कीट के। उसके साथ साथ इसमें निम्फिसाइडल एक्शन है, निम्फ अवस्था को भी कंट्रोल करता है और एडल्ट अवस्था को भी कंट्रोल करने का काम करता है। एडल्टिसाइडल एक्शन भी इसके अंदर होता है, तो कीट के हर एक स्टेज को पे काम करता है, जिससे जो कीट हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं। यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से कीटों को बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, तो देखिए हमारी फसलों पर लगभग सभी सकिंग पेस्ट पे काम करता है, केवल माइट्स को छोड़कर, माइट्स पे काम नहीं करता है, बाकी जितने भी सकिंग पेस्ट हैं जैसे कि व्हाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, व्हाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल करता है। व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप इसके स्प्रे ले सकते हैं और 7 दिन बाद स्प्रे रिपीट कर सकते हैं, व्हाइट फ्लाई आपकी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। उसके साथ साथ देखिए ये एफिड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, तो एफिड्स के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जैसिड्स पे भी काम करता है, तो जैसिड्स को भी अच्छे से कंट्रोल करेगा। जो हमारे हॉपर्स आते हैं जैसे BPH ब्राउन प्लांट हॉपर या और भी जो हॉपर्स आते हैं, तो हॉपर्स पे भी अच्छा काम करता है, तो हॉपर्स के लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। और ये जो हमारा थ्रिप्स की समस्या हमें देखने को मिलती है, तो थ्रिप्स पे भी ये काम करता है, तो इन सभी सकिंग पेस्ट को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। तो यही जो सकिंग पेस्ट है इनका ही ज़्यादातर हमारी फसलों पर अटैक होता है, तो फिर ये उनको अच्छे से कंट्रोल करता है, जिससे हमारी फसलों की आप देखेंगे बाद में इसके स्प्रे के बाद जो ग्रोथ है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इसको देखने को मिलता है। यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो वो इसकी थोड़ी शॉर्ट होती है, लगभग 6 से 7 दिनों तक काम करता है, यानी कि 1 वीक की इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी होती है। लेकिन यदि आप कपास के अंदर इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए रेसिडुअल एक्टिविटी जो होती है क्रॉप वाइज भी डिपेंड करती है, जैसे मिर्च के अंदर इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो और कम हो सकती है, जैसे 4 से 5 दिनों की, और फसलों के अंदर 7 दिनों की, और कपास के अंदर 12 से 14 दिनों तक की इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी होती है। तो अलग अलग फसलों पर जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, वो अलग अलग होती है। देखिए यदि हम इसकी डोज की बात करें तो ये इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखनी होती है, यानी कि 200 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा डालकर आप अपनी फसलों के अंदर स्प्रे करेंगे तो जो भी आपके सकिंग पेस्ट है वो आपके आसानी से फसलों के अंदर कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वेबकिल है जो बायोस्टेट कंपनी का आता है।
इसकी जो 100 ग्राम पैकिंग की कीमत है वो हमें 180 रुपये पड़ी है, तो वही प्राइस रेंज में आपको लगभग मिल जाएगा। तो प्राइस जो है वो एरिया वाइज थोड़े घने ऊपर भी हो सकते हैं, और आप ब्रांड अलग लेते हैं तो उसके भी थोड़े घने प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। लगभग एक अप्रॉक्स आइडिया प्राइस का मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, जो टेक्निकल है काफ़ी अच्छा है, सस्ता है, और लगभग बहुत सारे जो सकिंग पेस्ट है उन पर अच्छे से काम करता है, केवल माइट्स को छोड़कर सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।